એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડિજિટલ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે મારી સાથે છે સાઉથ ઇન્ડિયન ફિલ્મ એક્ટ્રેસ ગેહના વસિષ્ઠ. મેમ, વેલકમ ટુ સુરત. થેન્ક યુ સો મચ. મેમ, આપ બિગ બોસ 11 મેં આપ એઝ અ કોન્ટ્રીબ્યુશન એન્ટ્રી કી થી, તો ઉસ વખત કા માહોલ કેસા થા? वैसे भी बिग बॉस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, सो कॉन्ट्रोवर्सीज तो बहुत ज़रूरी हैं. तो बेसिकली आप देखेंगे तो बिग बॉस तीन लोग चला रहे थे, एक MTV, एक कलर्स और एक गहना वशिष्ठ. सो मेरा तो बहुत बड़ा योगदान है बिग बॉस के लिए. तो आप जब अंदर गई और उसके बाद में जब आप एग्जिट हुई, तब आप लोगों का रिएक्शन कैसा था? लोगों का रिएक्शन हमेशा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, बट हर लोग बहुत खुश थे क्योंकि मैंने बिग बॉस का रियल वाला चेहरा सबको दिखाया. क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि जो चीज़ बाहर दिख रही है वैसी है, बट अंदर कुछ और ही होता है. आप 2012 में मिस बिकिनी विनर हुई थी. हाँ. तो 2012 और 2019 आपको ये जो दौर है वो आप किस तरीके से देखती हो? मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग के बीच में ही मुझे ये मिस एशिया बिकनी का क्राउन मिला. मैं ऑनेस्टली बताऊँगी, आपका जब प्लेटफॉर्म मिलता है आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है. और आज 2019 से 7 साल हो चुके हैं, मैं बहुत खुश हूँ. मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी. समटाइम्स आउटसाइडर सेज की इंडस्ट्री बुरी है, बट मैं कहूँगी अगर इंडस्ट्री बुरी है तो आप सही लोगों के टच में ही नहीं हो. आपको फैमिली का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? मेरे पापा बिगनिंग में तो उनको ऐसा लगा था, अरे ये क्या हो गया, एंड नाउ अब वो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया. मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, इवन मेरे स्टेट वाले बहुत खुश हैं. छत्तीसगढ़ के लोग मुझ पर प्राउड करते हैं, MP वाले मुझ पर प्राउड करते हैं, पूरे घर वाले प्राउड करते हैं, सब लोग बहुत खुश हैं. आपने मूवी भी की है और मॉडलिंग भी की है, तो आपका अभी सफ़र किस तरीके से चल रहा है? मेरा सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है. मैं मॉडलिंग का एक ड्रॉबैक बताती हूँ. मॉडलिंग की जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड है. जहाँ आप स्टेज पे वॉक कर रहे हैं, आपके दर्शक सिर्फ वही लोग होते हैं जो आपको देखते हैं. आप किसी पोस्टर में नज़र आते हो, आप उन्हीं के लिए फ़ैन हो जो आपको स्टेज पे देखते हैं, जो आपको थिएटर पे देखते हैं. बट जब आप एक्टिंग करते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए सेलेब हैं. सो एक्टिंग का सफ़र बहुत अच्छा है और मॉडलिंग का सफ़र थोड़ा सा लिमिटेड है. आप यंगस्टर्स जो है वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, बट हमेशा अपने साथ एक सेकंड ऑप्शन रखिए. अपनी बेसिक एजुकेशन आप कंप्लीट करिए और यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पैशन चाहिए. अगर आप में पैशन है और अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ के लिए फिट हैं, बिल्कुल आइए. अगर आप डायरेक्शन में अच्छे हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप वहाँ पर जाइए. अगर आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर आइए. और हाँ, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है. 12th की डिग्री पाने के लिए आपको 14 ईयर्स पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन के लिए आपको 15 ईयर्स पढ़ना पड़ता है. तो मॉडलिंग में आप क्यों चाहते हैं कि 6 महीने या 1 साल में आप सक्सेसफुल हो जाएं? टाइम दो, सब कुछ आपका होगा. आप अगर मॉडलिंग में नहीं आई होती तो आप कौन से फील्ड में जाती? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं IT ग्रेजुएट हूँ, मैंने BTech किया हुआ है. मेरा IBM में प्लेसमेंट हुआ था. मैं जब इंजीनियरिंग की थी तब IBM में होती, आज शायद फॉरेन में होती, किसी कंपनी के मालकिन होती या किसी बॉस को पटाकर उससे शादी कर ली होती. आपका करियर हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियली क्यों रहा है? यार, कॉन्ट्रोवर्शीज में तो मज़ा आता है. एक बात बताओ, मैं घर से निकलूँ और सब कुछ स्मूथली हो जाए, क्या मज़ा. कलर्स होने चाहिए लाइफ में, एक्साइटमेंट होना चाहिए. एंड जो कॉन्ट्रोवर्सी है ना, मुझे अंदर से ना ज़िंदा रखती है. ये वो धड़कन की तरह जो धक धक करती है, मुझे कॉन्ट्रोवर्सी जिंदा रखती है. इसीलिए आई लव टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल. एक छोटा सा मैसेज हमारे सूरत वालों के लिए? मेरी तरफ से सूरत वालों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है और मैं खुद भी इस चीज़ को मानती हूँ. सूरत की ज़मीन में कमाल की ग्रोथ है. यहाँ जो भी लोग आए हैं, चाहे वो UP से हों, MP से हों, पूरी दुनिया का कोई भी हो, सूरत सबको पैसे देती है, सबको सक्सेस देती है. सिर्फ सूरत जो चीज़ मांगती है वो है मेहनत. यहाँ मेहनत करो, नाम करो और कमाल करो. बेस्ट विशेस. जी, ये थी गहना वशिष्ठ जी, जो कि हमारे साथ जुड़ी थी. मैं फिर आऊँगा एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल से. धन्यवाद. बाय.